हालात क्या है काम के? अगस्त का महीने है, काम कुछ भी नहीं है, कसम खुदा की। हाँ, भूख की वजह से। कितना घंटा हो गया आपको ऑनलाइन में? तकरीबन हो गया यार 11 घंटे तो हो गया करीम, और ऊपर पे काम आज कुछ नहीं किया, जीरो जीरो। एक ट्रिप 1000 का मैंने होटल से काम किया, तो 6000 ये हमारा टोटल हो गया, तो 9000 रुपये तकरीबन हमारी मंथली अर्निंग होगी। ये तो हमारी होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जैसा कि आपको मालूम है, मैं इस चैनल के ऊपर आपको डेली अर्निंग और मंथली अर्निंग और डिफरेंट जॉब्स के हवाले से इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। काइंडली चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो जी चलते हैं जी हम, क्योंकि ये आउट सीज़न अभी जा रहा है, तो आउट सीज़न में बहुत कम अर्निंग हो रही है, तो मैंने सोचा आपको मंथली अर्निंग शो करवा दूं, ताकि डेली अर्निंग आपसे अपडेट नहीं दे रहा, तो इसी लिहाज से मैंने सोचा कि आपको मंथली अर्निंग दिखाई जाए। तो हमें इसमें कितनी प्रॉफिट हुई या लॉस हो गया, तो इसमें ये फुल डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मैं। तो आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगी, और साथ में ड्राइवरों की भी इंफॉर्मेशन मैं लेके वो भी ऐड कर रहा हूँ साथ में, वो भी देखें कि ड्राइवरों का क्या रिएक्शन है, कि काम कैसा जा रहा है अगस्त के महीने में। तो ये लास्ट जून का मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये जून की मंथली अर्निंग है। ये आप देखें कि हमें जून में कितना लॉस हुआ। अगस्त जो है ये समय लेके आउट सीज़न का एंड ऑफ मंथ है, सितंबर में जाके ये काम दोबारा रनिंग में आना शुरू होता है, और अक्टूबर में ये फुल सीज़न शुरू हो जाता है। अक्टूबर के दौरान, यानी कि ये फुल सीज़न से मुराद है कि आपकी नॉर्मली 300 से लेके 250-300 एवरेज शुरू हो जाती है पर ड्राइवर की। तो आज मैं अपनी अर्निंग शो करने जा रहा हूँ, क्योंकि पार्टनर की डिटेल मुझे अभी नहीं मिली, तो वो भी तकरीबन एंड पे मैं आपको बता दूंगा कि उसकी कितनी एस्टिमेट अमाउंट कितनी हुई है, तो हमारा कितना लॉस हुआ। जो प्रॉफिट तो मैं इसमें नहीं कह सकता, क्योंकि हमें प्रॉफिट नहीं हुई। तो अभी कैलकुलेशन करते हैं जी, आप भी कैलकुलेशन कीजिएगा कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो ये सारी जो कॉस्ट है, मंथली फ्यूल सारा कुछ डाल के, हमें गाड़ी कितने की पड़ी और हमें इंस्टॉलमेंट हमारी उतरी कि नहीं, कि हमारे ऊपर बैलेंस आ गया। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ और देखते हैं हमारी आज की मंथली अर्निंग कितनी हुई लास्ट मंथ की। चलें जी। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं हम ऊबर में। ये जुलाई की अर्निंग हमें शो हो रही है जी, जुलाई की, मैंने सॉरी जून बोला, ये जुलाई की अर्निंग है जी। तो अभी हम स्टार्ट से चेक करते हैं जी, स्टार्ट में कितना हमारा आता है। मैं आपको ये सारा कुछ लाइव दिखा रहा हूँ जी, इसमें हम कोई अल्लाह माफ़ करे ऐसी बात नहीं करते कि जो झूठ के मबनी हो, ठीक है जी। ये जून और ये जुलाई, जुलाई की मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जी, जून की नहीं। अच्छा जी, जुलाई में हमारा फर्स्ट वीक लगा जी 1 से 8 536, ठीक है। अब इसमें कैश भी ऐड है, ये नहीं कि खाली ये अर्निंग है, इसमें कैश भी ऐड है हमारे साथ। वो कैश नीचे आप देखिए कैलकुलेशन होता है यहाँ पर, वो हमें इस वीक में कैश नहीं हुआ। तो ये टोटल अर्निंग जो होती है आफ्टर जो कटिंग करके सारा कुछ ऊबर अपना 25% जो काटती है, उसके बाद जो हमें अर्निंग आती है, ये हमारा डिस्प्ले जो होता है ये हमारी अर्निंग है। 536 ये हो गया जी। अच्छा, तो 600 ये लगा लें, 600 और 500 हो गया जी 1100 ये हो गया जी 1100 दो हफ्तों का 1100 और 650 ये लगा लें 1100 और 650 उधर लगा लें 1800 और 3 2100 हमारा हो गया जी इसके अंदर, ठीक है। 2100 और ये तकरीबन 200 रुपये आप इसमें और ऐड कर लें, 31 का महीना था, 3100 में से आप, अच्छा जी 2200, मैं 3100 बोल गया, सॉरी 2200 2300 हो गया, 2300 वो हो गया 2300 और 104, ये हमारा हो गया जी 30 से 7 जुलाई 2300 और 100 2400। क्रीम का काम बहुत कम हुआ जी, क्रीम का काम नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा 2300 2300 और 300 ये लगा लें, 285 हैं, 2300 और 300 ये लगा लें 2600 हो गया जी। 2600 के बाद फिर आप ये लगा लें जी 100 धर्म ये लगा लें 2600 और 2700 2700 और 135 ये हो गए जी। ये देखें, ये कैश आफ्टर डिडक्ट करके ये हमें बैलेंस आ रहा है शो।
2700 और 150 2950 3000 तकरीबन हो गया। 3000 हाँ 3000 लगा लें, 3100 रुपये लगा लें जी आप। ठीक है जी 3000 हो गया ये। अब आप आते हैं होटल की तरफ, 3000 वो हो गया जी। और ये हमारी ट्रांजेक्शन है जी, जो हम कार्ड होटल से काम करते हैं तो वो कार्ड मशीन के ऊपर जो पेमेंट आती है ये हमें कंपनी डिटेल सेंड करती है। तो ये देख रहे हैं आप 29/9/9/11 तकरीबन 9 से स्टार्ट हुआ वो हमारा, ये एक वीक हमारा पीछे चला गया, वो मैं बाद में शेयर कर दूंगा। 570 ये हो गया जी, 570 और 570 और 1128 ये हो गया जी, 1700 1700 1700 हो गया जी, 1700 ये हो गया, 1700 और 2000 ये हो गया जी, 2770 ये हो गए, 2800 हो गया जी, 2800 जी। अच्छा जी ये हमारा हो गया टोटल 6000 के समथिंग, 6000 टोटल हो गया जी हमारा। ये टोटल मेरा अकेले की अर्निंग अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में जो लास्ट मंथ गया है, अभी अगस्त जा रहा है, इसकी भी इंशाल्लाह मैं एंड ऑफ द मंथ में आपको दिखा दूंगा। ठीक हो गया जी, तो ये 6000 हमारा हो गया। 6000 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा पार्टनर का लगा लें 3000 दिरहम, क्योंकि उसका काम नहीं हुआ इतना ज़्यादा, डे में इतना काम नहीं था, नाइट में मैं कुछ कर लेता था काम, और होटल पे भी काफ़ी काम अच्छा हो जाता है। तो 3000 का समझ लेके मैंने ऑनलाइन काम किया और 3000 का मैंने होटल से काम किया, तो 6000 ये हमारा टोटल हो गया। तो 9000 रुपये तकरीबन हमारी मंथली अर्निंग होगी। ये तो हमारी होगी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट क्लियर। ठीक है जी, तो बाकी का जो हमें लॉस हुआ वो क्या हुआ कि आपका डेली का 50-60 दरम फ्यूल लग रहा है, 50 से 60 दरम, तो 1500 हमारा वो लॉस हो गया। ठीक है 1500 वो हो गया, और डेली जारी बात है हमें खाना पीना भी है, 150 दरम वो लगा लें, 1500 और 1500 3000 दरम में हमने इस महीने में लॉस किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का कर्ज़ा हमारे ऊपर नहीं चढ़ा, 8700 रुपया इसकी इंस्टॉलमेंट है जी। ठीक है दो ड्राइवरों की, तो ये है कि सैलरी जो है वो मेरे पार्टनर की वो समय लें कि वो भी नहीं निकली, और जो हमारी गाड़ी की जो इंस्टॉलमेंट है वो क्लियर हो गई। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर आपने सैलरी नहीं निकाली, आपका ऊपर गाड़ी का कर्ज़ा नहीं चढ़ा, तो समझ लें कि ये आपके लिए प्रॉफिट है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि अपने व्यूवर्स को जो भी हो हकीकत से मबनी रखूँ और हकीकत बताता रहूँ कि क्या हमारे साथ सीज़न के अंदर क्या काम हो रहा है। जुलाई के भी मुझे मई के साथ आपने मैंने की हुई है लास्ट में, वो हमारा मंथली अच्छा लगा था। जुलाई से ये स्टार्ट होता है, जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने आपके समझ लें कि अगर आपकी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट क्लियर हो रही है तो आप माशाल्लाह समझ लें कि प्रॉफिट में जा रहे हो, क्योंकि इस दौरान काफ़ी हमारे जो राइडर ड्राइवर भाई हैं वो गाड़ियाँ सेल करने जाते हैं और बोलते हैं कि काम नहीं है। तो बात वही है कि आप माशाल्लाह काम करोगे तो आपको काम मिलेगा, बात यह है कि कोशिश आपने करनी है। रिजक जो है ऊपर वाला अल्लाह ज़्यादा देने वाला है, लेकिन आप अपनी कोशिश जारी रखें, मेहनत जो है ना वो आपकी रायगा नहीं जाएगी इंशाल्लाह। तो हौसला मत हारिए, परेशान मत हो, क्योंकि आने वाला जो सीज़न है वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा, ये नहीं है कि आपको लॉस होगा। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों का रोज़गार लगा हुआ है, लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल लॉस है। तो अभी मेरी एंड पे वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको जो ड्राइवर हैं वो आपके साथ बात शेयर कर रहे हैं भी हमारा काम कैसा है। अभी आप मुल्क से वापस आया, दुबई में आया, तो अभी आप अपने यूट्यूब में बनाओ, यूट्यूब में बन रहा है ना, ये देखो ये यूट्यूब में हम बात कर रहे हैं, ये देख रहे हैं यूट्यूब के लिए वीडियो बन रहा है। अभी आप बताओ मुल्क से आ गया, हम तो मुल्क से आए लेकिन अभी हालात क्या है काम के? अगस्त का महीने काम कुछ भी नहीं है, कसम खुदा की। हाँ भूख की वजह से। कितना घंटा हो गया आपको ऑनलाइन में? तकरीबन हो गया यार 11 घंटे तो हो गए करीम, और ऊपर पे काम आज कुछ नहीं किया, जीरो जीरो, एक ट्रिप भी नहीं लगा अभी तक, एक ट्रिप भी नहीं, बस आज जीरो पे जाएगा, पेट्रोल अपने जेब से भरवाएगा। हाँ हमारा भी ये सीम हो रहा है।
अभी तक 20 धर्म का काम किया। कितना और आदमियों को बोला? सिर्फ 20 धर्म का सिर्फ काम। ये अपने भाइयों को बोलो हमारे कि भाई जितने भी और आ रहे हैं कि भाई मैं अभी हमारा तो टाइम हो गया ना अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो अब एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन जो नए आदमी आ रहे हैं बहुत मुश्किल है, काम है नहीं तो क्या फायदा। ये देखो ये बंदा घर जा रहा है, 3 घंटे से ये इसका वेट किया तो अभी ये घर जा रहे हैं। मैं कसम खुदा की 10 बजे तक। तुम कितने कितने बजे आया और क्यों जा रहे अभी घर? 11 बजे आया। ड्यूटी पे कितने बजे आया? ड्यूटी पे 3 बजे। 3 बजे आया, कितना काम किया आज? 300 किया आज पुष्ट। माशाल्लाह यार, ये तो 300 बोल रहे, तुम कह रहा काम नहीं हुआ। ये देखो 300 में सौ का पेट्रोल डालेगा, हाँ 15 का बर्गर खाएगा, हाँ और जब जाएगा तो मालिक को कुछ भी देना पड़ना पड़ेगा। नहीं वो तो खुद मालिक है ना, वो तो काम उसका गाड़ी अपना तो हमेशा जमा होना करना यानी कि तुमको 100 धर्म बचेगा 300 का काम करके। नहीं बचेगा वो बैंक को जाएगा, बैंक को जाएगा, गाड़ी वाला पेमेंट में जाएगा। सही है, चल ठीक है, क्या अल्लाह हाफिज। और अपने भाइयों को बोलो कि खुश रहो मेरी तरफ से सबको। ये जो आउट सीजन है ये कितने महीने होता है? ये आउट सीजन 4 महीना होता है, 3-4 महीना होता है। तीन चार सीजन आ जाता है ना तो हम कौन सा तबाही करते हैं। आपका मुंह क्यों रोने वाला हुआ है? क्या वजह, क्या प्रॉब्लम है? काम नहीं आई ऊपर, काम नहीं हो। देखो उधर तो बुकिंग आ रहा है, पता नहीं किसको बुकिंग लग रहा है उधर, वो करीम का बुकिंग लग रहा है उसको, ये इसको, क्योंकि ये टैक्सी में भी बुकिंग चल रहा है। चलो तो फैल भाई जाओ, अभी आप घर जा रहे हो, आराम करो। नेक्स्ट मंथ हम जा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में घर जाएगा, हम जाएगा। चलो अच्छी बात है, तो अल्लाह करे। आप देखो ये सब गाड़ी खड़ा है, माशाल्लाह ये अभी मैसेज आया, बुकिंग आ गया, पकड़ो अभी मैसेज पकड़ो। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गाड़ी लगा हुआ अभी, तो देखो जी। तो ये हालात हैं जी काम के, आजकल आउट सीजन जा रहा है, टिका के 200-300 धर्म भी नहीं बन रहा। मैं अभी तक 20 धर्म पे खड़ा हूँ और 6-7 बजे का आया हूँ, 5 घंटे मुझे हो गया, तो काम नहीं है बिल्कुल जी। तो ये लास्ट मंथ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से काम कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। क्या हो गया? आ जाओ अभी इधर। चलो ठीक, अभी ठीक है जी। फिर ओके जी, थैंक यू सी। सब्सक्राइब करते रहें, वॉच करें हमारी वीडियो और देखते रहें अपडेट हमारी अर्निंग की। हमें इजाज़त दें, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।